72 देखते हैं ना। क्या बोलते हैं 72 में 8 ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी ऑफ इक्वल रेडियस पजेसिंग द इक्वल चार्जेस कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप देन द कैपेसिटेंस ऑफ द बिगर ड्रॉप कंपेयर टू ईच इंडिविजुअल स्मॉल ड्रॉप्स। कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना होगा बोलो, हाउ मच विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ ड्रॉप? Do you remember the formula? Drop का जो अपना capacitance होता है, round होती है ना, round मतलब spherical conductor का कितना था capacitance? सबसे पहले वही derivation किया था हम लोगों ने, how much it was? 4 pi epsilon naught r, ना 4 pi epsilon naught r था। तो हम लोग जो bigger drop बन रही है उसका radius अगर हमें मिल जाए तो कंपेयर कर सकते हैं, मतलब रेशियो निकाल सकते हैं, है ना। तो बिगर ड्रॉप का व्हाट इज कॉल्ड रेडियस कैसे मिलेगा? तो ये हमने फ्लूइड में भी ऐसे क्वेश्चन किए, वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, तो उससे हमें बिगर ड्रॉप की रेडियस मिल जाती है। यस, तो उससे हमें फिर सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। तो देखो इसको फार्मूला तो अपना ये है कैपेसिटेंस का, जस्ट वॉट एवर आई टोल्ड यू। तो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू, तो छोटी जो है ड्रॉपलेट, 8 ड्रॉपलेट ज्वाइन हो रही थी, बड़ी ड्रॉप बनाई उन्होंने, तो क्यूब रूट लेंगे तो 2r इज इक्वल टू r, तो जो r है बिगर ड्रॉप जो बनी है ऐसे, उसका रेडियस छोटी छोटी ड्रॉप से जो था उससे डबल आया, 2r आया, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? आर की वैल्यू पुट कर देंगे 2R, तो एज कंपेयर टू दिस ट्वाइस कैपेसिटेंस। ठीक है, इसके शॉर्टकट फार्मूले भी होते हैं, बट उतना फार्मूला याद रखने से बढ़िया फटाफट सॉल्व कर लो, है ना, एन टू दी पावर समथिंग कुछ 1/3 ऐसा कुछ आता है ना, एन इज द नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, है ना, 8 थी ना, एन एन की पावर क्यू रूट में ऐसा 1/3, 8 का क्यू रूट लेंगे तो 1/3 आता है, ऑफकोर्स 2 आ जाता है। If you can remember that formula, so you, it is fine. Otherwise, basic concept आने चाहिए. Got it? So, next one is 73rd. Parallel plate condenser. Condenser मतलब क्या होता है? Capacitor ही होता है. Has capacitance 50 microfarad in air and 110 microfarad when immersed in oil. The dielectric constant. ये direct board का question. सीबीएसई बोर्ड का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अब जाए, तो क्या फार्मूला बनाया था हम लोगों ने इसके लिए? इनफैक्ट जब ऑयल या एनी अदर डायलेक्ट्रिक मीडियम में पुट करते हैं तो के टाइम्स हो जाता है, है ना, तो ऑयल के साथ 110 है, एयर के साथ 50 है, तो देखते ही हमें पता लग रहा है 2 आएगा, है ना, ऑयल के साथ ज्यादा होता है मोर कैपेसिटेंस डिवाइड बाय लेस, एयर वैक्यूम के साथ जो होता है, तो 110 ये फार्मूला हमने डिराइव किया था, बनाया था थियरी पर, तो ये 2.2 डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड के लिए, नो प्रॉब्लम सो फार। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर इज 1 माइक्रोफैरड, इफ द स्पेसिंग बिटवीन द टू स्फीयर्स इज 1 mm, देन द रेडियस ऑफ द आउटर स्फीयर। ये देखो, इसमें जो स्फेरिकल कैपेसिटर थे हमने लास्ट में केवल उसका फार्मूला ही डिराइव करके तुम्हें दिया था, न्यूमेरिकल नहीं किया क्योंकि एनसीईआरटी बुक में उतना ही दिया था, तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। देखो, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर इज 1 माइक्रोफैरड, सिंगल उसका नहीं, स्फेरिकल कंडेंसर है, कैपेसिटर है, दो कंडक्टर होंगे। इफ द स्पेस बिटवीन टू स्फीयर इज 1 mm, इफ द स्पेस बिटवीन देम इज 1 mm, तो r2 - r1 इज 1 mm, देन रेडियस ऑफ द आउटर स्फीयर निकालना है, तो इसमें देखते चलो, C is given, और ये जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है, तो नीचे तो डायरेक्ट ले लिया, यहां पर भी देखो, अगर हमने R, अगर R2 को R लिया तो R1 will be R-1, वो भी मिलीमीटर है, हाँ मिलीमीटर है, तो अगर हमने R2 को R लिया तो R1 will be
लेस बाय 1 mm, है ना? तो नीचे तो 1 mm डायरेक्ट आ गया, ये 1 mm है डिफरेंस, ऊपर एक को आर लिया, दूसरे को आर माइनस 1 लिया। तो अगर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये जो ये कहाँ से आया, 10^9 कहाँ से दिख रहा है, इसका 1/4π0 का 9 × 10^9 होता है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये सब देखो, ये जो है ये सब पूरे कैंसिल हो जाएंगे, 9 बचेगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होने से। इधर क्या बच रहा है, R² माइनस दिस, ये बहुत नेग्लेजिबल है, ये 0.00 R। इसको नेग्लेक्ट करके सॉल्व करके इस R² = 3 meter, है ना? तो ये थोड़ा सा लॉजिकल है, इसमें तुम्हें नेग्लेक्ट करने पड़ेंगे तभी सॉल्व होगा, नहीं तो फिर पूरा सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है सॉल्व करो इसको, तभी भी 3 आएगा, डेसिमल में है ना, लेंथी कैलकुलेशन हो जाएंगे। गेटिंग और नॉट? ओके, तो ये क्वेश्चन। उसके बाद ये एरिया ऑफ ईच प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन, ए दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 1 mm, इट इज गिवन, एंड ये 6 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, द रेडियस ऑफ द इक्विवेलेंट। अच्छा, इसको इक्वेट किया है, मतलब ये तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका कैपेसिटर निकाल लो। फिर क्या बोला है, द रेडियस ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द स्फीयर विल बी, मतलब ये जो तुम्हारा कैपेसिटेंस बना, अगर इतने कैपेसिटेंस का, अगर स्फेरिकल इतने कैपेसिटेंस का स्फीयर है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, तो स्फेरिकल कैपेसिटर से, स्फेरिकल कंडक्टर से इसको हम उसकी कैपेसिटी से इक्वेट कर देंगे, मतलब यहां से पहले निकाल लो ये, मतलब C1 पैरेलल प्लेट की है, उसका फार्मूला लिख दिया हमने, C2 स्फेरिकल का है, स्फीयर का कैपेसिटेंस है जो सबसे पहले हमने डिराइव किया था, दोनों को इक्वेट करना है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या, इक्वेट कर लो, वैल्यूज पुट कर दो, इसकी पूरी वैल्यू दी है और ये तो कांस्टेंट है, केवल आर पे डिपेंड करता है, तो बस सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो मतलब इनको हमने क्या किया, स्फीयर का पैरेलल प्लेट के साथ दिया है, इक्वल है, तो तुम्हें वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है। आ रहा समझ में? तो दिस इज द क्वेश्चन, ये बोर्ड में भी आ सकता है क्योंकि ये हमने अब डेरिवेशन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 76, देयर इज एयर फिल्ड 1 pF प्लेट कैपेसिटर, पिकोफेरेट मतलब उसकी कैपेसिटेंस दिया हुआ है, when the plate separation is doubled and space between the them is filled with the wax, the capacitance increases to 2 pF, dielectric constant of wax. ये NCERT book का question है, ऐसा type था कि हमने space भी change किया और dielectric medium भी भरा, तो उसके equivalent question है। तो ये 2 दे दिया है तुम्हें, C' is 2 or C0 is 1, air filled capacitor C0 डेनोट करते हैं, बट उसमें तुम्हें 2 चेंजेस किए तुमने, तो दोनों चेंजेस अप्लाई करो फॉर्मूले में और जो वैल्यू है वो पुट करो, ये जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। यहां से ध्यान से देखो, ये 2 है, ये 1 है, तो ट्वाइस हो गया, C2 इज ट्वाइस ऑफ C1, ठीक है? तो C2 कब था, जब हमने उसमें डायलेक्ट्रिक फिल किया और डिस्टेंस भी डबल किया, यस सर, नो, इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, डबल है सेपरेशन, डबल और वैक्स फिल कर दिया, के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वही निकलना। और C1 कब है, जब वो एयर फील्ड है, εo(a/d), कैन यू सी? तो ये सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये तो K/2 = 2 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, ठीक है? गुड क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो, फिट फॉर, ठीक है? ओके, शैल वी कीप मूविंग? नो डाउट, आई थिंक सब बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो यू शुड नॉट हैव डाउट। देखो ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये JEE में या नीट में आया था, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। 2 μF capacitor is charged to 100 V and then plates are connected by connecting wire. The heat produced in
हीट प्रोड्यूस विल बी हाउ मच, ये क्वेश्चन तुम बताओ। चलो ये कॉम्पिटेटिव आया हुआ क्वेश्चन है कहीं पर, तो कैसे करेंगे बोलो, हाउ टू फाइंड आउट द हीट प्रोड्यूस, लेट मी नो हु इज रिप्लाइंग। हीट वैसे अभी हम जो करंट चैप्टर पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके उसका टॉपिक है ये हीट, बट यहाँ पर कैसे निकालेंगे, लॉ ऑफ कॉमन सेंस, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी जितनी जितनी उसके बाद एनर्जी होगी, हाफ सी वी स्क्वायर, जितनी एनर्जी है वो पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी हीट एंड रेडिएशन में, दैट्स ऑल। मतलब इनडायरेक्टली तुम्हें हाफ सी वी स्क्वायर निकालना था, वट एवर द एनर्जी देयर दैट विल कन्वर्ट इनटू हीट, हाफ सी वी स्क्वायर, सी भी दिया वी भी दिया, सॉल्व कर लो 0.01 आ रहा है, नथिंग बिग डील इन दिस, गॉट इट, शैल वी मूव फॉरवर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं, टू इंसुलेटेड मेटलिक स्फीयर्स ऑफ 3 microfarad एंड 5 microfarad कैपेसिटेंस आर चार्ज टू 300 volt एंड 500 volt रिस्पेक्टिवली, द एनर्जी लॉस when they are connected by the wire। तो ये जो है बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुम्हें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे बताया था मैंने, कैन एनीबडी रिमेम्बर, डू एनीबडी रिमेम्बर दिस, ये अपनी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन जैसा है, उसमें भी हमें एनर्जी लॉस निकालने कब आए थे 2-3 questions में, तो उसमें लेकिन सेकेंड कैपेसिटर मोस्ट ऑफ द टाइम अनचार्ज था, यहाँ पे चार्ज दो, सबसे पहले क्या किया था इसमें बोलो, दिशा बताओ क्या किया था हम लोगों ने इसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में, आर यू देयर, यस सर, क्या किया था याद है कुछ, याद है पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी दोनों की, नहीं एनर्जी नहीं निकाली थी, सबसे पहले हमने कॉमन पोटेंशियल निकाला था पहले, हाँ ठीक है पहले एनर्जी निकाली, उसके बाद ठीक है एनर्जी निकाल ली दोनों की, क्योंकि लॉस निकालना है ना, इनिशियल एनर्जी निकाली फिर कॉमन पोटेंशियल है ना, फिर कॉमन पोटेंशियल फिर से फाइनल एनर्जी निकाली, तो दोनों का डिफरेंस लॉस, बट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए जो मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था ना कि इसका लॉस का डेरिवेशन कर ले, डेरिवेशन करके देखो क्या आता है, क्योंकि बोर्ड में वो डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं कर सकते हम, तो कॉमन, तो यहाँ पे बिना कॉमन पोटेंशियल निकाले वो जो हमने होमवर्क में दिया था ना कि डेरिवेशन करके देखना क्या, अगले दिन शायद मैंने लिखा भी था, नोट्स पढ़ेंगे ना तो लिखा भी था ये रिलेशन आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, वैसे ही तो रिलेशन है हाफ सी वी स्क्वायर जैसा ही है, एनर्जी का रिलेशन है, डायमेंशन ऐसी होनी चाहिए, हाफ है एक सी वन की और नीचे नीचे एक सी है, सम ऑफ द सी है, एक सी की डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी, एक सी बचेगा या पोटेंशियल का स्क्वायर है, तो डायमेंशनली हाफ सी वी स्क्वायर जैसा रिलेशन है, सी वन सी टू दिया है, इनिशियल पोटेंशियल भी दिए है, स्क्वायर कर दो तो इतना आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, अदरवाइज बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 marks का क्वेश्चन आता, तो हमें सारे स्टेप करने हैं, ऐसे करेंगे ना तो 1.5 marks ही मिलेंगे तुम्हें ये फार्मूले से, गॉट इट। चलो फिर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर वाइंड अप करते हैं, ये है वैसे तो कल हम लोग इसको फिनिश कर लेंगे, आज जितना हो जाता है कर लेते, सर्किट के क्वेश्चन कल करेंगे, आज हम ये थियरी वाले कर लेते, आगे सर्किट आने वाले हैं। तो कैपेसिटर इज यूज टू स्टोर 24 watt hours ऑफ एनर्जी At 1200 volt, what should be the capacitance? Energy दी है, voltage दिया है, तीन ही तो unknown होते हैं इसमें, है ना? दो दिए हैं, और एक unknown है ना? तो just you can do it easily. Value put करके simplify कर लो, ठीक है? एक मिनट है, थोड़ा सा इसको मैं dark कर लेता हूँ पहले, बहुत light दिख रहा है ये. ओके चलो, तो हाफ सी वी स्क्वायर, तो यू दिया है इनडायरेक्टली दिया, यू इज इनडायरेक्टली गिवन, उसको पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यू यहां पे देखो मैंने एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया हुआ है, 24 watt hours है ना, तो सेकंड्स होने चाहिए तभी वाट क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है, इधर भी सेकंड्स होने चाहिए, कैंसिल हो जाएगा, तो 60 × 60 दो बार मल्टीप्लाई करते 60 × 60, ठीक है, तो ये जूल में कन्वर्ट हो गया, फिर यहाँ पुट कर देंगे सॉल्व कर लेंगे,
ठीक है, सी आ जाएगा, सी निकालना है। तो मतलब फार्मूले वही है, तुम्हें थोड़ा सा इनडायरेक्टली वैल्यूज दी है, तो यू नो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमेशा ऐसा यूनिट में पहले कन्वर्ट करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये भी बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ये सब इजी क्वेश्चन है। 81 में थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, पहले ये कर दे, 80 कंप्लीट कर लेते। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग द प्लेट सेपरेशन ऑफ 2 मिलीमीटर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग इट टू 300 वोल्ट सप्लाई एनर्जी डेंसिटी। याद है फार्मूला एनर्जी डेंसिटी का? बोलो, व्हाट इज द फार्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी फार्मूला इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और v इज इक्वल टू ed। वेज वाले फार्मूले से हम चेंज कर लेंगे, देखो v दिया है और d दिया, सेपरेशन दिया है, तो यहां से हम e निकाल लेंगे, e इज इक्वल टू v / d। बस इसमें कैलकुलेशन रह जाएंगे बाद में। देखो यहां पे देखो v, e इज इक्वल टू v / d पुट कर दिया, बाकी सब की वैल्यू पुट कर दो, सब दिया है, सॉल्व करने के बाद क्लोज आंसर ये आता है। ये क्वेश्चन देखो इंटरेस्टिंग है, ये वाला, ये थोड़ा सा JE लेवल का क्वेश्चन है, ये बोर्ड में नहीं आएगा। Parallel plate capacitor is connected to the battery. The plates are pulled apart with the uniform speed dx by dt. हम अभी यहाँ constant v दिया है, constant दिया हुआ है, uniform, तो v constant है। d को हम x लेंगे क्योंकि हम लोग we are dealing with the variable condition, जो plates के gap रहते हैं ना, separation d, that is x will be taken, तो differentiate करना आसान हो जाएगा। If x is the separation, दिया ही उन्होंने x separation लेने के लिए बोला है। The time rate of charge of, देखो क्या निकलना है, time rate of charge dq by dt निकलना है, of electrostatic energy of capacitance is proportional to time rate of charge, time rate of charge related to capacitance। यहाँ पे तो confusion हो रहा है ना, टाइम रेट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मतलब ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वर्डिंग दे दी, मतलब फोकस किस पे करना है, टाइम रेट ऑफ चार्ज पे करना है, क्योंकि उस वो कहना क्या चाहते हैं कि जो चार्ज से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बनती है, उस चार्ज का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, उस चार्ज का टाइम रेट निकालना है। इसमें थोड़ा सा एक मिनट, जस्ट मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा, दिस लाइन इज कंफ्यूजिंग, डी क्यू बाई डी टी निकालना है, कि चेंज तो वर्ड यूज नहीं किया उन्होंने, डी यू बाई डी टी तो नहीं बोलना चाहते। लेट्स सी, हम दोनों निकाल के देखेंगे किसके साथ आंसर मैच होता है, देखते हैं। तो कैसे अप्रोच करेंगे, अगर चार्ज का टाइम रेट निकालना है तो डी क्यू बाई डी टी, और एनर्जी का चेंज अगर है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये थोड़ा सा अभी मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, टाइम रेट ऑफ चेंज तो नहीं है, हमने देखते कैसे सॉल्व किया इसको, तो डी डी यू बाई डी टी निकालना पड़ेगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी चेंज है तो हमें डी क्यू डी यू बाई डी टी निकालना पड़ेगा। लेट सी क्या निकाला हमने, यस डी यू बाई टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकाल दी। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हमें, चेंज लिखा कि चार्ज लिखा, चेंज लिखा, चार्ज लिखा है, चेंज करना पड़ेगा। चलो तो देखते हैं अभी, तो हमने क्या किया है, देखो अभी लिखना नहीं इसको, मैं थोड़ा करेक्शन करने वाला हूँ उसमें, तो लेट्स सी, U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, एंड सी की वैल्यू पुट कर दी एप्सिलॉन नॉट ए बाई एक्स, डी की जगह एक्स, वी एज इट इज, तो यहाँ पे देखो ये सब कांस्टेंट है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए एंड वी स्क्वायर, बैटरी कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू बैटरी है, देखो वी चेंज नहीं होता, जब बैटरी कनेक्टेड होती है ना तो चेंज नहीं होता, वो पोटेंशियल चेंज नहीं होता। ठीक है, ओके एक काम करते हैं, यहीं पे रोक दे क्या, कनेक्ट करने, बोलो टेल मी आवाज आ रही है, ओके कनेक्ट करता हूँ, चलो कनेक्ट करता हूँ, होल्ड ऑन, फिर से वो करना पड़ेगा, जस्ट होल्ड ऑन,
The screen sharing ended unexpectedly. You need to reboot this OS. Okay, just hold on. Screen sharing hi problem hai. Just ho jayega, ho jayega. Just hold on. चलो आगे. Yes. Okay. तो can you see everybody? Are you there? All of you are there? चलो yes. देखते हैं. तो अभी इसको डिफरेंट अभी वैल्यू पुट कर रहे थे हम लोग. बैटरी कनेक्टेड है. देखो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, बैटरी इज कनेक्टेड है ना. तो वी भी कांस्टेंट, जब बैटरी कनेक्टेड होता है ना वी भी कांस्टेंट होता है. देखो वी आल्सो कांस्टेंट, ए आल्सो, दिस दिस दिस, ये सब कांस्टेंट के लिख लिए. नीचे क्या बचा, एक्स. तो एक्स को न्यूमरेटर में लेके गए. ठीक है, तो अभी डिफरेंशिएट करना है इसको, है ना. टाइम रेट ऑफ चेंज है वो एक्चुअली, तो डी यू बाई डी टी करना है. ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा ये. देखो चलो ये सब प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंशिएट अभी इधर तो एक्स है, इधर टी है, तो हमें बैलेंस करना पड़ता है इसमें. तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो पहले मैं पूरे स्टेप लिख के दिखाता हूँ. यहाँ पे हमने डी एक्स से डिवाइड किया और डी एक्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, फिर हमें बैलेंस हो गया. अभी ये मैथ्स में तुम लोगों को सिखाया जाएगा अभी, बट यहाँ पे हमें फिजिक्स में ये बार बार करना पड़ता है, यहीं सीख लो. तो डी डी एक्स, सॉरी, तो नीचे डी एक्स है, यू की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से कितनी है, के एक्स टू द पावर माइनस वन. और डी एक्स बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, वी वेलोसिटी, वो भी कॉन्स्टेंट दी हुई है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. इसको भी आगे शिफ्ट कर लो वी को, और के को भी आगे शिफ्ट कर लो. डिफ्रेंशिएट करेंगे अभी डी, इसका डिफरेंशिएशन तो तुम्हारा अभी काम आसान हो गया. कितना आएगा डिफरेंशिएशन बोलो, पावर आगे आ जाती है, एक कम भी हो जाती है, माइनस एक्स रेस टू माइनस टू. यस, तो ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में. तो अपने को आंसर क्या दिया है, हाँ ऐसे इसी फॉर्म में दिए, हाँ यहाँ पे दिए, देखो ये आंसर है. तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस माइनस, सब उसमें चले जाएंगे. ए आंसर है, क्लियर. किसको नहीं समझ में आया, ये देखो जेई का क्वेश्चन है, एक बार में समझ में नहीं आएगा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. आ गया तो फाइन. वो पेज बताओ, जेई या नीट दोनों में से एक किसी में आया हुआ है ये, इसमें मैंने दोनों के क्वेश्चन डाले, जेई के भी, नीट के भी, बोर्ड के भी, सबके. बोलो, अनम्यूट करो और बताओ ये क्वेश्चन. अगर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन करने आ गए तो फिर तुम्हारा कंपटीशन की अच्छी तैयारी हो जाएगी. बोलो बोलो सर. क्या भूपेश, ये क्वेश्चन समझ आ गया हमने जो सॉल्व किया है, अच्छे से समझ में आ गया? और दिशा, हाँ बोलो बोलो बोलो. समझ गया, समझ में. और कौन है शिवानी, यू आर देयर. ठीक है, खुशी नहीं है क्या, खुशी ने क्यों नहीं ज्वाइन किया, वाज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ चलो, कुछ बोल रहे थे भूपेश, कुछ बोल रहे थे, बोलो जल्दी से, फिर हम दो तीन मिनट और हैं, फिर हम लोग 7 मिनट है, वाइंड अप कर देंगे, दो तीन क्वेश्चन और करके वाइंड अप कर देते हैं. कल नहीं, नहीं सर, ठीक है, ठीक है सर. चलो, तो ये हमने बहुत धीरे धीरे किया है, इसको तुम नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, या फिर ट्राई कर सकते हैं, बाद में तुम मेरे से पीडीएफ ले सकते हैं. नोट करते जाओ थोड़े थोड़े, या बाद में अपने आप करो, है ना, मेथड सीख लो. हाँ सर. चलो फिर आगे देखते. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नीट में भी आने के चांसेस रहते हैं. एक आध क्वेश्चन वो डालते, पहले तो बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन के डालते थे, बट अभी थोड़े कम कर दिए उन्होंने. पुराने पेपर तुम देखो ना, 2014 से लेकर 18 तक, 19 तक थोड़े टफ थे, लास्ट ईयर का थोड़ा इजी था. ठीक है, ओके. तो ये जस्ट Let's see now next 2-3 question, एक दो question और देख के फिर wind up करेंगे. Now ये देखो, to form a composite 16 microfarad and 1000 volt capacitor from a supply of identical
कैपेसिटर मार्क्ड 8 माइक्रोफेरड और 250 वोल्ट वी रिक्वायर मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर, कितने नंबर कितने कैपेसिटर लगेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये मेरे ख्याल से नीट एंड एम्स का क्वेश्चन है ये, बोलो कैसे करेंगे ये, टेक योर टाइम एंड बताओ। दिशा याद है कुछ इस क्वेश्चन के बारे में? ये क्वेश्चन देखा है तुमने दिशा, बताओ सुना है, सब पढ़ा है, समझ में आया क्वेश्चन? देखो हमें कितना चाहिए, 16 माइक्रोफेरेड चाहिए, अपने पास है कितना 8 माइक्रोफेरेड, कैसे करें जब बढ़ाने होते कैपेसिटेंस, क्या करना पड़ता है हमें, व्हाट वी हैव टू डू, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है, पैरेलल में, सीरीज में तो घटते हैं, पैरेलल में लगाने पड़ेंगे ना, तो और क्या करना पड़ता है, लेकिन ये इतना डायरेक्ट नहीं है ना, अभी हम लोग को पैरेलल में सपोज हमने 2 लगा दिए 16 तो हो जाएगा, बट यहाँ पे वोल्टेज की कंडीशन भी है 250 है यहाँ पे 1000 वोल्ट, तो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, तो हमने कैसे दिखा था, उसमें 400 वोल्ट कुछ था ना, यहाँ पे 400 था, यहाँ पे इन्होंने 250 दिया, तो हमें थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे, मतलब मेथड वही रहेगा। बोलो क्या किया था दिशा, याद है कुछ? अभी ये कंडीशन पहले मीट करनी पड़ेगी 1000 वोल्ट की, तो 4 सीरीज में लगाने पड़ेंगे, 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 1000 हो जाएगा, 4 सीरीज में लगाएंगे तो कैपेसिटेंस 8/4 हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा, फिर नंबर ऑफ रोज हमें लगानी पड़ेगी पैरेलल में बढ़ाने पड़ेगा, फिर 1 का 2 है, 1 रो का तो 16 चाहिए हमें, तो कितनी रो लगानी पड़ेंगी, तो ये हमने पूरा क्वेश्चन फॉर्मली किया है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, 25th क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर का, ऑलरेडी वी डिड इट देयर, फिर से मैं बताता हूँ, देखो 4 कैपेसिटर लगाएंगे हमें से, 1 2 3 4, तो 250 मिलके कितने हो गए 1000, तो वोल्टेज की कंडीशन फुलफिल हो गई, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो लेकिन ये होगा कितने, 4 कैपेसिटर जो है कितने कितने हैं 8 माइक्रोफेरेड के, तो सीरीज में 8/4 रहेगा ये, तो सीरीज में जितने नेट कैपेसिटेंस है नंबर ऑफ रोज मिलके 16 होना बनाना पड़ेगा हमें, रोज कितनी है वो हमें देखनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी है, और एक एक उसका कितना है 8/4 है, नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये 2 बचा, ये 2 इधर से 8, तो नंबर ऑफ रोज मिल गई 8, तो एक रो में कितने हैं 4, 8 × 4 = 32, तो ये एनसीईआरटी बुक का, उसमें भी 32 आया था पर थोड़ी कंडीशन अलग थी, उसमें वैल्यूज अलग थी, एनसीईआरटी बुक नहीं 18 कुछ और था, आंसर देख लेना ऑलरेडी अपने नोट्स में होगा वो, क्लियर? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होने के चांसेस है नीट के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का है और इसमें थोड़े से लॉजिक भी है, डायरेक्ट नहीं, अगर तुम बोलो सर हमें 16 चाहिए है ना, तो 8 दो पैरेलल में लगा दो, 8 प्लस 8 16 हो गए, बट वोल्टेज की कंडीशन नहीं मीट होगी, अगर तुमने दो पैरेलल में लगा दिए 1000 वोल्ट लगाया, दोनों ब्लास्ट हो जाएंगे, दे फिजिकली तुम देख सकते हो उनको ब्लास्ट होते हुए, अगर इतना हाई वोल्टेज लगा दिया ना इमीडिएटली दे विल ब्लास्ट, पूरा उसका जो है डायलेक्टिक सब बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट कितना टाइम बचा है थोड़ा सा, एक क्वेश्चन और करके वाइंड अप कर देते हैं, ये क्वेश्चन भी अपने ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 83rd एससी वर्मा का क्वेश्चन है, हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन जो किया था बिल्कुल वैसा ही है, लास्ट ईयर आया था वो, देखो ये क्वेश्चन करके वाइंड अप करते हैं, जस्ट एक मिनट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, ये क्वेश्चन तुम लोग पढ़ो तब तक, ये बोर्ड का क्वेश्चन ऐसा था और जस्ट रीड इट, इसके बाद हम लोग वाइंड अप कर देंगे। 2 कंडेंसर्स हैं,2 C and CR joined in parallel and charged up to the voltage V. Bhupesh, thoda sa unmute karo. Mute karo, Bhupesh. Mute it. Are you there, Bhupesh? Bhupesh, are you there? Can you hear me? Concentrate karo class mein, Bhupesh. Bhupesh, are you there? दिशा तुम्हें पास आवाज आ रही? Yes sir. भूपेश, why are you not paying attention? कुछ प्रॉब्लम है क्या उसको? भूपेश, क्लास इज गोइंग ऑन?
यस सर क्लास गोइंग ऑन तुम चलो उसको डिस्कनेक्ट हो गया चलो कल करें फिर दिशा देखते हो ज्वाइन कर रहा है तो ये फिनिश करेंगे नहीं तो कल करते चलो जस्ट आई विल वेट फॉर 10 seconds ज्वाइन किया उसने कैन यू हियर मी भूपेश कैन यू हियर मी यस सर चलो यस सर पहले वॉइस कटा के ओके सर वॉइस चली हाँ देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के बोर्ड का क्वेश्चन है टू कंडेंसर सब कैपेसिटर्स 2C एंड CR जॉइंट पैरेलल एंड चार्ज टू द पोटेंशियल ऑफ वी वोल्ट तक उनको हमने चार्ज कर लिया पैरेलल में लगा के द बैटरी इज रिमूव्ड एंड कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी C इज फिल्ड विद द जो C जिसका है उसको कंप्लीटली फिल्ड किया हमने डायलेक्ट्रिक मीडियम से है ना कैपेसिटी C इज फिल्ड कंप्लीटली विद द मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K and potential difference now potential difference across the capacitor will be now isme thoda sa farak hai question mein usme ek mein battery connected thi isme battery puri nikal di gayi to let's see dielectric constant ka dusra naam kya hai bolo jaldi se tum log what is the other name of dielectric constant relative permittivity yaad hai aise symbol likhte epsilon r ncrt book mein k nahi likhte but board mein kabhi relative permittivity bolte dielectric constant ko ठीक है तो चार्ज रिमेंस अभी हमने बैटरी निकाल दी चार्ज रिमेंस कंजर्व्ड तो उस लॉजिक से चलेंगे देखो इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज इनिशियल चार्ज Q1 फाइनल चार्ज देखो इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज इनिशियल दोनों कैपेसिटर पे कितना था Q1 प्लस Q2 अभी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा एक से दूसरे में Q1 डैश प्लस Q2 डैश क्यू क्या होता है C1 V1 Q2 क्या होगा C2 V2 इज इक्वल टू अभी कॉमन पोटेंशियल सेट हो जाएगा अभी इन दोनों का यहाँ पर C1 V' प्लस C2 V' है ना बस तो हमें क्या निकालना था कॉमन पोटेंशियल निकालना था ना कॉमन पोटेंशियल निकालना था ठीक है V' निकालना कॉमन पोटेंशियल को फाइनल पोटेंशियल भी बोलते हैं या कुछ नाम नहीं देंगे तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या लिखा हमने यहाँ पे लिखूं मैं बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड इनिशियल चार्ज क्योंकि बैटरी कनेक्ट होने के बाद चार्ज ना तो आ सकते ना जा सकते है ना तो बट डायलेक्ट्रिक डालने से क्या होगा शिफ्टिंग होती है एक से दूसरे में चले जाएंगे कब तक फ्लो होंगे जब तक फिर से डायलेक्ट्रिक डालने से पोटेंशियल चेंज होता है एक्चुअली है ना इसकी वजह से फिर चार्ज पहले तो सेम पोटेंशियल पे थे दोनों डायलेक्ट्रिक डालने से पोटेंशियल चेंज हुआ तो चार्ज फ्लो शुरू हो गया फिर नया पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा तो अपना फिर आ जाएगा ठीक है तो ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में गॉट इट तो यहीं पे रोक रहा हूँ मैं तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अपने पास क्वेश्चन कौन से बाकी है ये 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 तो इजी है ये सारे थोड़े सर्किट के बाकी हैं कल भी हम लोग 7:15 तक करेंगे बचेगा तो फिर कितने क्वेश्चन बाकी सर्किट के सारे बाकी है अभी कितने क्वेश्चन है 103 तक है इसमें तुम्हें हो जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन ठीक है चलो फिर ओके दैट्स ऑल वी आर साइनिंग ऑफ टुमारो कंटिन्यू थैंक यू दिशा